देखिए, जो मैंने कैलिडियम के बल्ब लगाए थे आप लोग के साथ शेयर भी करा था और अभी लगाए थे, तो देखिए उनमें से कुछ ये देखिए ग्रो हो गया और इस तरह का कुछ शेड निकल के आया है उस कैलिडियम के बल्ब से। और ये मैंने ऑनलाइन परचेज करे थे। हेलो, मैं हूँ ललिता भंडारी, गार्डनिंग विद ललिता भंडारी से। तो आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो जिस तरह से देखिए, आज मैंने कुछ कॉर्न की भी हार्वेस्टिंग करी थी और उस पर एक शॉर्ट वीडियो डाला था। और ये कॉर्न देखिए लीव सूखने लगे हैं और रेडी हो रहे हैं, बैक टू बैक रिज़ल्ट मिला कॉर्न का बहुत अच्छा मुझे। तो बहुत ज़्यादा हमारे वहाँ गर्मी हो रही है, कुछ ड्राइनेस भी आ रही लीव्स में और पानी भी डालते हैं दोनों टाइम, फिर भी देखिए ब्राइट सन है और शायद दो तीन दिन में बारिश हो। ये देखिए सुबह सुबह ब्राइट लाइट आ जाती है। तो आते हैं अपने टॉपिक पे। और ये कुछ ये हल्दी उगने लगी है। तो देखिए, जो मैंने कैलिडियम के बल्ब ग्रो करे थे आपके साथ ही कुछ दिन पहले, तो देखिए उनमें नए नए लीव्स आने शुरू हो गए। तो ये शेड निकल के आया है लीव्स का, तो ये थोड़ा छोटा साइज़ है ये देखिए। और ये देखिए ये सब स्प्राउट्स हो रहे हैं, ये देखिए सब स्प्राउट्स हो रहे हैं ये। तो मैंने आपको बताया था कि मेरे पास स्पॉट्स नहीं था उस समय अवेलेबल, तो इसी के मैंने कॉर्नर में थोड़ा स्पेस था तो इसमें मैंने वो लगा दिए थे बल्ब। तो देखिए ये इसमें से आने लगे। तो इस तरह से कैलिडियम के बल्ब आप मंगा सकते हैं और लगा सकते हैं। और इनकी जो लीव्स होती हैं वो अपने आप में बहुत खूबसूरत होती हैं, तो बहुत सुंदर लगती है देखने में। तो ये देखिए, ये परफेक्ट टाइम है कैलिडियम को ग्रो करने का हमें बल्ब के थ्रू, और इनका परफेक्ट टाइम है ग्रो होने का। तो देखिए सब ये स्प्राउट्स हो गए, ये देखिए सब अभी निकलेंगी। तो अभी मैंने एक पॉट में और लगाए हैं, उसमें तो अभी मुझे स्प्राउट नहीं दिख रहे हैं। तो कुछ बल्ब हो सकता है उसमें से ख़राब भी हो सकते हैं। और देखिए सॉइल को मैंने मॉइस्ट रखा है और इस तरह से ये लीव्स थोड़ा डिफरेंट है, जो पहले वाला कैलिडियम था उससे थोड़ा सा डिफरेंट है ये देखिए इस तरह से। तो कैलिडियम की लीव्स की ये होती खासियत कि ये अपनी लीव्स में एक सुंदरता लिए हुई होती है और उसको आप लगा सकते हैं और आपकी गार्डन में ये शोभा बढ़ाते हैं इस तरह के प्लांट्स। ये देखिए जो कि सुंदर लीव्स वाले होते हैं। तो आप कैलिडियम के बल्ब मंगा सकते हैं, ऑनलाइन भी मिल जाते हैं आराम से, आप फ्लिपकार्ट अमेज़न से परचेज़ कर सकते हैं, इसी वे से मिल जाते हैं और मंगा के उनको ग्रो कर सकते हैं। तो देखिए सब स्प्राउट हो रहा है। अब मैं देखती हूँ किस किस तरह की लीव्स निकलती है। अभी तो फ़िलहाल ये देखिए एक लीव्स आई है, तो वो इस तरह से आई है। तो आज आपका टॉपिक था मेरा ये कि जो कैलिडियम के बल्ब मैंने आपके साथ ही लगाए थे, आपको बताया था कि किस तरह से कैलिडियम के बल्ब लगाने चाहिए, तो ये बल्ब मेरे ग्रो हो गए हैं। और देखिए कुछ बल्ब मैंने इस वाले पॉट में लगाए थे तो इसमें आपको एक भी स्प्राउट नहीं दिख रहा होगा। ये देखिए अभी इसमें एक भी स्प्राउट नहीं है, और जो कि दोनों मैंने एक ही दिन सेम डे लगाया था, तो इसमें पता नहीं क्यों नहीं स्प्राउट हुए हैं, या वो कुछ ये कुछ बल्ब ख़राब भी हो सकते हैं। लेकिन जैसे स्प्राउट होंगे तो आपको फिर मैं शो करूँगी ये कैलिडियम के बल्ब का रिज़ल्ट। तो आज का टॉपिक था मेरा कैलिडियम के बल्ब। ये वाले बल्ब तो सभी स्प्राउट हो गए हैं और उस वाले पॉट से मुझे एक भी स्प्राउट नहीं दिख रहा है। तो ये देखिए सब हो रही है नीचे से। तो इसी तरह ये लीव्स आती रहती हैं और ये कैलिडियम के बल्ब आप एज इट इज़ इसी पॉट में रहने दूंगी, तो ये बढ़ते रहेंगे। बाद में देखूंगी, शिफ्ट कर दूंगी जब मेरे पास अवेलेबल होगा पॉट। तो आज का टॉपिक था मेरा कैलिडियम। तो फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ और एक नए प्लांट के साथ। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। और वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, तभी कमेंट करिएगा। देखिए चाइनीज़ ऑरेंज भी पहले हार्वेस्ट कर चुकी हूँ मैं।